तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि गाइस सभी लोग ठीक ही होंगे। तो भाई फाइनली मैं आप सब लोगों की डिमांड पे लेके आ चुका हूँ मिस्टर मीट की स्टोरी। तो भाई स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई हम इस वीडियो में यह जानेंगे, जो हमारा मिस्टर मीट है भाई, वो भी तो कभी नॉर्मल इंसान रहा होगा, मतलब वो पैदाइशी थोड़ी ना इतना खूंखार और डरावना होगा भाई, कभी वो भी तो नॉर्मल रहा होगा। तो भाई इस स्टोरी में हम यही जानेंगे कि मतलब एक नॉर्मल इंसान इतना खूंखार कैसे बन चुका है, मतलब आदमखोर कैसे बन चुका है, मतलब भाई क्या घटना है उसके साथ घटी जो आज वो ये सब ये कर रहा है, मतलब इतना खूंखार बन चुका है। तो भाई स्टोरी को शुरू कर लेते हैं, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखना। तो भाई चलो स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। तो भाई स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मिस्टर मीट है जिसका आप गेम खेलते हो, तो भाई जो उसका रियल नेम है, उसका रियल नेम है भाई जॉन मैनसन। जी हाँ दोस्तों, मतलब जब वो नॉर्मल इंसान रहा था भाई, जब वो नॉर्मल बंदा था, तो भाई उसका नाम जॉन मैनसन था। मिस्टर मीट उसका नाम जब पड़ा, जब भाई वो जॉम्बी बन चुका था, इतना ज़्यादा खूंखार बन चुका था, जब उसका नाम मिस्टर मीट पड़ा। और उससे पहले जब वो नॉर्मल था, तो भाई उसका नाम जॉन मैनसन था। तो भाई जो जॉन मैनसन था, इसकी एक फैमिली थी। तो भाई इसकी फैमिली में जो है एक इसकी वाइफ थी और इसके दो बच्चे थे। तो भाई ये बंदा जो है अपनी फैमिली के साथ जो है शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर एक अकेले सुनसान इलाके में इसका एक घर था, तो भाई वहाँ रहा करता था और बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी जो है इसकी फैमिली थी। और भाई जो जॉन मैनसन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस मैन था, इसका काफ़ी बड़ा बिजनेस था। और भाई जो जॉन मैनसन था वो अपनी फैमिली से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था, मतलब हद से ज़्यादा जो है अपनी फैमिली से प्यार करता था, उनको चाहता था। तो भाई यार यहाँ पर जो है जॉन मैनसन दिल का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा आप उसको बोल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा था जॉन मैनसन। लेकिन भाई यहाँ पर एक दिक्कत थी। भाई दिक्कत क्या थी? जो जॉन मैनसन की वाइफ थी वो ड्रग्स एडिक्ट थी, मतलब यार जॉन मैनसन की वाइफ जो है वो ड्रग्स के जो है नशे किया करती थी, वो ड्रग्स लेती थी काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा। लेकिन भाई इस चीज़ का जो है मतलब जॉन मैनसन को नहीं पता था कि जो उसकी वाइफ है ड्रग्स लिया करती थी चुपके चुपके, और इस चीज़ का जो है जॉन मैनसन को नहीं पता था। लेकिन भाई एक दिन जो है ये सारी बातें जो है जॉन मैनसन को पता लग जाती हैं, वो अपनी जो है वाइफ को ड्रग्स लेते हुए देख लेता है और ये सारी बातें जो है उसको पता लग जाती हैं, जो उसकी वाइफ है मतलब जो उसकी वाइफ है वो ड्रग्स एडिक्ट है बहुत ही ज़्यादा। तो भाई इस चीज़ को लेकर जो है जॉन मैनसन को जब पता लगता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि यार वो अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली में किसी भी मेम्बर को कुछ ऐसी लत लगे या फिर उसके फैमिली मेम्बर को कुछ भी ऐसा हो कि जिससे जो है उसको परेशानी उठानी पड़े। तो भाई जब इस चीज़ का जो है जॉन मैनसन को पता लगता है कि जो उसकी वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स एडिक्टेड है, तो भाई जब इस चीज़ को वो सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, मेंटली तौर पर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि भाई वो अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो अपनी फैमिली को जो है किसी भी फैमिली मेम्बर को इस हालत में नहीं देता। तो भाई वो बाद में जो है अपनी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, उसको समझाता है कि मतलब ये सब मत किया कर, मतलब ये सब ड्रग्स वगैरह मत ले, क्योंकि इससे जो है हमारे बच्चों की लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और हमारी फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है इस चीज़ से और ये सब चीज़ें जो है गलत हैं। लेकिन भाई इस चीज़ को सुनकर जो है उसकी वाइफ तब भी नहीं मानती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी अब जो है ड्रग्स एडिक्टेड हो चुकी है। तो भाई जो उसकी वाइफ होती है वो उसकी बात नहीं सुनती और वो ड्रग्स लेना जो है कंटिन्यू रखती है, मतलब रोज़ वो ड्रग्स लेती है। तो भाई इस चीज़ को रोज़ रोज़ देखकर जो है भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, जॉन मैनसन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको समझाते समझाते थक जाता है, लेकिन उसके वाइफ नहीं मानती है। तो भाई अब जॉन मैनसन जो है अपनी वाइफ के लिए काफ़ी कड़े कदम उठाने लगता है उसकी भलाई के लिए, ताकि वो मतलब वो ड्रग्स को छोड़ दे। तो भाई अब जो है वो उसको डांटने लगता है, यहाँ तक जो है वो उसको मारने भी लगता है, उसको डांटने लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो भाई जो उसकी वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, मतलब जॉन मैनसन से वो सोचती है कि मेरे को ड्रग्स नहीं लेने दे रहा। तो भाई इस चीज़ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और जॉन मैनसन जो है उसको बिल्कुल भी ड्रग्स लेने नहीं देता था अब, और उसकी वाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। तो भाई एक रात क्या करती है उसकी वाइफ जो होती है, एक रात जो है अपने बच्चों को लेके जो है चुपके चुपके से उसके घर से निकल जाती है, यानी कि भाग जाती है। तो भाई जब इस चीज़ को जो है जॉन मैनसन को सुबह को पता लगता है कि उसकी वाइफ जो है मतलब उसके बच्चों को लेके भाग चुकी है, भाई वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। तो भाई अब वो क्या करता है, अपनी फैमिली को जो है ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन भाई फाइनली जो है उसकी फैमिली नहीं मिल पाती। वो दो तीन दिन तक अपनी फैमिली को ढूंढता है, लेकिन भाई उसकी फैमिली जो उसकी वाइफ होती है वो नहीं मिल पाती है। तो भाई इस चीज़ को देख के जो है वो जॉन मैनसन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि भाई वो अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तो अब जो है भाई इस चीज़ को देख कर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो भाई अब जो है जॉन मैनसन जो है ड्रिंक्स करना स्टार्ट कर देता है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स करने लगता है और वो पूरा पूरा दिन जो है अपने घर पर ही पड़ा रहता है और ड्रिंक्स करता रहता है। तो भाई इस चीज़ से जो है उसके बिजनेस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो भाई ऐसा जो है काफ़ी दिन तक चला, मतलब जो जॉन मैनसन था वो ड्रिंक्स करता था और पूरा पूरा दिन अपने घर पर ही रहता था और नशे में जो है वो पड़ा रहता था। तो भाई इस चीज़ से जो है उसका बिजनेस जो है पूरी तरीके से ठप हो जाता है। तो भाई जब इस चीज़ का जो है जॉन मैनसन को पता लगता है कि मतलब भाई उसका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है एक तरीके से, तो भाई वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। लेकिन भाई बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वो थोड़ा जो है अपने आप को संभालता है,
तो भाई बाद में वो देखता है कि उसका बिजनेस जो है पूरी तरीके से ठप हो जाता है, उसके पास जो है कुछ पैसा बचा हुआ होता है जो उसके बिजनेस का होता है। भाई अब जो है वो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है मीट का, मतलब भाई वो बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है मीट वाला। तो भाई वो क्या करता है, काफ़ी सारा जो है मीट ले आता है, उसके स्टोर लगा देता है, मतलब भाई वो जो है मीट बेचना स्टार्ट कर देता है उसके स्टोर लगाकर। तो भाई काफ़ी ज़्यादा जो है उसके पास जितने भी पैसे होते हैं तो वो सारा पैसा जो है वो मीट के बिजनेस में लगा देता है, काफ़ी सारा मीट वो ले आता है। तो भाई मतलब जो उसका मीट होता है वो थोड़े दिन तक तो बिकता है, लेकिन उसके बाद में जो है वो बिकना बंद हो जाता है और जो उसका मीट वाला जो बिजनेस होता है वो पूरी तरीके से वो भी ठप हो जाता है। तो भाई इस चीज़ को देख कर जो है मतलब यार उसके पास अब पैसे नहीं बचे हुए होते हैं, तो इस चीज़ को देख के यार मतलब जो जॉन मैनसन होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो फिर दोबारा से जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो भाई वो फिर से जो है वही सब कुछ ड्रिंक वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भाई जो उसका जो मतलब मीट होता है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, क्योंकि वो बिकता नहीं है, उसकी सेल नहीं हो पाती जो भी वो मीट लेके आया था सेल करने के लिए। तो भाई एक रात होता है क्या है, जॉन मैनसन अपने ड्रिंक करा हुआ होता है, अपने घर पर ड्रिंक कर रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है। तो भाई उसको जो है भूख लगती है, तो भाई वो क्या करता है, वो जो है जो मतलब सेल करने के लिए जो मीट लेके आया था जो अब ख़राब हो चुका था, तो भाई वो जो है उस मीट को खाने लगता है, मतलब भाई वो नशे में होता है वो उस मीट को खाने लगता है। भाई जो उसका मीट था वो काफ़ी ज़्यादा सड़ चुका था, उसमें काफ़ी ज़्यादा वायरस आ चुके थे, तरह तरह के उसमें काफ़ी ज़्यादा वायरस आ चुके थे। तो भाई उस मीट को जो है वो खाने लगता है, काफ़ी ज़्यादा मीट खा लेता है। तो भाई जैसे ही उस मीट को वो खाने लगता है, वो खा लेता है सारा मीट, तो भाई उसके बाद क्या होता है, वो जो है बेहोश हो जाता है, मतलब जो उसका ब्रेन है मतलब एक तरीके से फ्रीज हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो भाई 3 दिन तक जो है जॉन मैनसन बेहोश रहता है, और भाई जब 3 दिन के बाद जॉन मैनसन उठता है तो भाई वो अब जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, मतलब भाई वो अपने अंदर देखता है काफ़ी सारे चेंजिंग्स, मतलब उसके जो सड़े हुए मीट के वायरस थे वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुके थे उसके अंदर, जिसने उसको पूरा चेंज कर। तो भाई अब जो जॉन मैनसन है वो पहले की तरह नहीं रहा, अब वो जो है मिस्टर मीट बन चुका है, मतलब जॉन मैनसन की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि भाई अब जो है उसको सिर्फ मीट चाहिए होता है, मतलब भाई उसको मीट की इतनी ज़्यादा भूख लगती है, मतलब कि भाई वो उसके घर में जितना भी मीट होता है, जितने भी सेल के लिए मीट लाया होता है वो भाई वो सारा खा जाता है जितना भी होता है, और भाई उसको और ज़्यादा भूख लगती है, और भाई वो पूरी तरीके से जो है एडिक्ट हो जाता है, उसकी मेंटेलिटी जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, और वो अब जो है पूरी तरीके से जो है भाई ज़ॉम्बी बन चुका है, जो मतलब भाई जॉन मैनसन था वो अब जॉन मैनसन से मिस्टर मीट बन चुका है। तो भाई अब वो क्या करता है, उसके घर में जो भी बंदा आता है तो भाई अब जो है वो उसको मार के खा जाता है, और भाई जब भी उसकी भूख नहीं मिटती है, उसको मीट चाहिए रहता है, तो भाई जो भी बंदा आता है उसको मार के खा जाता है। तो भाई जॉन मैनसन की जो है एक पड़ोसी लड़की थी, तो भाई जो जॉन मैनसन और उस लड़की के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत थी, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से जॉन मैनसन जो है उस लड़की को जानता था। तो भाई जो वो लड़की थी वो कहीं बाहर घूमने के लिए गई हुई थी, उसको इन सारी बातों के बारे में नहीं पता था। तो भाई जब वो बाहर से आती है, तो भाई जब वो जॉन मैनसन के घर आती है किसी काम से, तो भाई अब जो है जॉन मैनसन जो है पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका है, मतलब मिस्टर मीट जो है वो बन चुका है। तो भाई मिस्टर मीट जो है उस लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन भाई वो जो है उस लड़की को मारता नहीं है, क्योंकि भाई वो उसको अच्छी तरीके से जानता था, मतलब उससे अच्छी तरीके से बातचीत थी उसकी। तो भाई उस लड़की को जो है वो मारता नहीं है, और उस लड़की को जो है वो एक कमरे में कैद कर लेता है। भाई अब हमें गेम में करना क्या होता है, उस लड़की को जो है हमको बचाना होता है, मतलब भाई हमको जो है उसके घर में छोड़ दिया जाता है, और भाई हमारा मिशन यही रहता है अगर आपने गेम खेला है, कि हमें जो है उस लड़की को बचाना है, वो एक रूम में बंद होती है, तो हमें जो है सारे लोग खोल के जो है उस लड़की को बचाना है। तो भाई हम जो है उस लड़की को बचा लेते हैं तो हमारा गेम जो है कंप्लीट हो जाता है। तो भाई जो वो लड़की होती है, जो मतलब आप जो है उस लड़की को बचाते हो, तो भाई वो और कोई नहीं, वो जो है मिस्टर मीट यानी जो हमारे जॉन मैनसन भाई थे उनकी पड़ोसी होती है। तो भाई ये थी कुछ गेम की स्टोरी। तो खैर यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो यार आपको मिस्टर मीट की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, और अगर आपको कोई भी मतलब सवाल पूछना है वाली स्टोरी को लेकर, तो भाई आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई जाकर कमेंट करो। और हाँ भाई सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।